नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रतनपुर का कलचुरी वंश। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका था रणजीत साय तक हम लोग पढ़ चुके थे। रणजीत साय शासक थे, तो दोस्तों मैं बता दूं उसके आगे रणजीत साय के आगे उनके तीन पुत्र हुए, ठीक है। बड़े पुत्र का नाम था तखत सिंह, यहाँ पर मैं लिखा हूँ बड़े पुत्र का नाम तखत सिंह, दूसरे पुत्र का नाम सिरदार सिंह और तीसरे पुत्र का नाम रघुनाथ सिंह। तो दोस्तों ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आज का जितना भी मैं कहानी बताने वाला हूँ इस तीन नाम पे ही होगा पूरा कहानी, और बहुत मज़ेदार कहानी होने वाला है दोस्तों। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कलचुरी वंश का सबसे मज़ेदार कहानी इसी वीडियो के अंदर आएगा। मैं क्या बोला, सबसे पहला तखत सिंह है, इस कारण से वो अब गद्दी पर बैठेंगे। रणजीत सिंह के बाद तखत सिंह अब गद्दी पर बैठेंगे। तो तखत सिंह का कार्यकाल था दोस्तों 1685 से 1689 ईस्वी तक। तखत सिंह का कार्यकाल 1685 से 1689 ईस्वी तक। दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंतिम में क्या किए, तखत सिंह जो थे वो अपने नाम से ही तखतपुर का शहर की स्थापना कर दिए, जो कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, बिलासपुर जिला के अंतर्गत। देखिए कहाँ पे है, मैं बताता हूँ। तखतपुर तो ये सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर संभाग है, जिसमें से ये मुंगेली जिला है, ये मुंगेली जिला है, इसके बाद हम लोग का ये बिलासपुर जिला है, और ये गोरेला पिंडरा मरवाही, और ये है बिलासपुर जिला, ये है बिलासपुर जिला। यहाँ पर है कोरबा जिला, ये कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, और ये रायगढ़ जिला, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं तक बिलासपुर जिला में लास्ट में यहाँ पर है तखतपुर, आज भी है बिलासपुर जिला में ही है तखतपुर। तो उसी तखत सिंह जो थे, ये तखत सिंह राजा जो थे कलचुरी वंश के, कब से कब तक थे, 1685 से 1689 ईस्वी तक थे। तो वही 17वीं शताब्दी के अंतिम में तखतपुर शहर का स्थापना किए थे, जो कि बिलासपुर जिला में है, ठीक है। इसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। तो दोस्तों तखत सिंह का पुत्र होता है, उनका नाम है राज सिंह। तखत सिंह के बाद अब अगला राजा कौन होते हैं, राज सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तखत सिंह के बाद राज सिंह उनका पुत्र जो है शासक बनते हैं। तो राज सिंह का कार्यकाल था 1689 से 1712 ईस्वी तक। तक राज सिंह जो थे वह औरंगजेब के समकालीन थे, मुगल काल के राजा थे औरंगजेब, उनके समकालीन थे कौन, राज सिंह, ठीक है। राज सिंह जो थे वो अपने नाम का रतनपुर के बगल में राजपुर नाम का एक शहर की स्थापना कर दिए। अब देखिए तखतपुर को मैं यहाँ पर बताया और यहाँ पर रतनपुर है, तो रतनपुर के अगल बगल में कहीं पर इस आसपास में उन्होंने राजपुर नाम का एक शहर की स्थापना कर दिया, क्योंकि इनका नाम ही था राज सिंह। तो अपने नाम से ही राजपुर शहर का स्थापना कौन किया, राज सिंह ने कर दिया, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। और ये राजपुर कहाँ पर है, तो राजपुर जो है वह रतनपुर के किनारे में है, जिसको आजकल जूना शहर कहा जाता है, जूना शहर। रतनपुर के बगल में राजपुर शहर की स्थापना राज सिंह ने किया था, उसको आजकल जूना शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज सिंह के राज दरबार में गोपाल मिश्र नाम का एक कवि रहता था। राज सिंह के दरबार में गोपाल मिश्र नाम का एक कवि रहता था, जो कि खूब तमाशा को लिखा है। राज सिंह के दरबार में एक गोपाल मिश्र नाम का कवि रहता था, उनके दरबार में, जो कि खूब तमाशा को रचा है। और दोस्तों खूब तमाशे के अंदर क्या है आप लोग बोलोगे, तो औरंगजेब के जो नीति थी ना, उसका कटु आलोचना किया गया है। औरंगजेब के जितने भी नीति बनाया था औरंगजेब, उसका कटु आलोचना किया गया है इसके द्वारा, खूब तमाशा के द्वारा। अब देखिए रतनपुर में ही बादल महल का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था, तो राज सिंह ने करवाया था। रतनपुर यहाँ पर है बिलासपुर जिला में, रतनपुर है, बिलासपुर जिला में बनाया हूँ, तो यहीं पर है रतनपुर। इस रतनपुर में बादल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो राज सिंह ने करवाया था, जो कि तखत सिंह का पुत्र था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज सिंह का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था विश्वनाथ सिंह। राज सिंह का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था विश्वनाथ सिंह, उनका मृत्यु हो गया। राज सिंह के पुत्र विश्वनाथ सिंह का मृत्यु हो गया जिसके कारण से शोक में ये व्याकुल हो गए। इस कारण से अपनी राजधानी को राजपुर ले गए थे, उसको फिर से पुनः वहीं पर रतनपुर वापस ले आए और रतनपुर में फिर से रहने लगे। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, इन्होंने इनका विश्वनाथ सिंह का इनके पुत्र का तो मृत्यु हो गया, तो इसके इनके पुत्र का मृत्यु हो जाने के कारण से राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी रायपुर के राजा, रायपुर का एक व्यक्ति जिनका नाम था मोहन सिंह, यहां पर रायपुर है, ठीक है, यहाँ पे रायपुर जिला है ये, ठीक है, रायपुर जिला, तो इस रायपुर जिला के ये रायपुर ये शाखा दो शाखा में बढ़ गया था, शिवनाथ नदी के ऊपर और नीचे यहाँ पर एक शाखा था और एक शाखा यहाँ पर रायपुर में था। तो रायपुर का एक व्यक्ति था मोहन सिंह, उसको विश्वनाथ सिंह बेटा विश्वनाथ सिंह के मृत्यु के बाद राज सिंह ने मोहन सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था कि मैं जब मरूँगा तो मोहन सिंह को यहाँ का राज रतनपुर का अपना राजा बना लेना, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि राज सिंह का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, आकस्मिक रूप से इनका मृत्यु हो जाता है राज सिंह का। इस कारण से मोहन सिंह जो थे वह रतनपुर नहीं पहुंच पाए, इतना दूरी नहीं कर तय कर पाए। तो दोस्तों यहां पर ये सिरदार सिंह जो थे, तखत सिंह के भाई जो थे, तखत सिंह का दूसरा भाई मझल का भाई, मझला वाला भाई, तो वह सिरदार सिंह गद्दी पर बैठ जाते हैं। देखिएगा आंकड़ा यहाँ पे, मैं बोला था आज का कहानी ये तीनों में से पूरा में होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वाले में क्या कहा, रणजीत सिंह थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रणजीत सिंह को, तो उनका तीन ठो पुत्र हुआ था, तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तो सबसे पहला बेटा था तखत सिंह, इस कारण से तखत सिंह बैठ गया गद्दी पर। इसके बाद तखत सिंह का पुत्र हुआ कौन, राज सिंह, तो राज सिंह गद्दी पर बैठ गया। अब राज सिंह का पुत्र कौन होता है, विश्वनाथ सिंह, वो गद्दी में बैठने से पहले ही उनके मृत्यु हो जाता है, किसका, राज सिंह के पुत्र विश्वनाथ सिंह का। तो राज सिंह जो थे वह रायपुर के एक व्यक्ति मोहन सिंह को अपना अधिकारी घोषित कर दिए थे, लेकिन दोस्तों उस टाइम में मोहन सिंह वहां नहीं पहुंच पाए राज सिंह की मृत्यु के समय। इस कारण से फिर से इनको सिरदार सिंह को गद्दी में बैठना पड़ता है। इतना समझ गए। सिरदार सिंह का भी एक दिक्कत था कि वो भी निसंतान थे, जब तक थे वो गद्दी पर थे, लेकिन उनका मृत्यु हो गया तो उनका कोई संतान ही नहीं था, वो निसंतान थे सिरदार सिंह। तो दोस्तों इसके बाद सरदार सिंह के बाद तीसरा भाई मतलब रघुनाथ सिंह को गद्दी फिर से मिल जाता है, रघुनाथ सिंह अब गद्दी पर बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पास क्या होता है, देखिएगा इनके पास सबसे बड़ी घटना, आज तक के सबसे बड़ी घटना हो जाता है 1741 ईस्वी में। क्या हुआ, भोसला वंश के शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा अभियान से जब लौट रहे थे तो रतनपुर में कब्जा करने के उद्देश्य से यहां पर हमला कर दिए, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा से लौट रहे थे, इधर आ रहे थे, तो रास्ता में पड़ा यहाँ पर रतनपुर, तो रतनपुर में कब्जा करने के उद्देश्य से यहाँ पर यहाँ आक्रमण कर दिए रतनपुर में। कौन कर दिया, एक बार और सुन लीजिए मैं क्या बोला, भोसला वंश का शासक थे रघुजी प्रथम, उनका सेनापति था भास्कर पंत। तो भास्कर पंत जो सेनापति था, रघुजी प्रथम के भास्कर पंत सेनापति था, वो लौट के आ रहा था यहाँ से, वो करने क्या गया था, तो बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खां, उनसे कर असूली करने गए थे। बंगाल के नवाब थे अली वर्दी खां, उनसे कर की असूली करने गए थे, कौन, भास्कर पंत। तो वहाँ से लौट रहे थे उड़ीसा अभियान से, तो यहाँ पर रतन
रायसनपुर को देखा कि अच्छा खासा राज्य चल रहा है, तो इनके ऊपर मतलब रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया भास्कर पंत, जो कि रघुजी प्रथम के सेनापति थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं हम लोग क्या पढ़ रहे थे रघुनाथ सिंह के बारे में। तो रघुनाथ सिंह इस समय यहाँ पर शासन थे, तीसरा भाई यहाँ पर वाला तीसरा भाई। ठीक है, मतलब रणजीत का सबसे छोटा लड़का, तो इनका एज बहुत ज्यादा हो गया था, वो 68 साल के हो गए थे रघुनाथ सिंह, मतलब बूढ़े हो गए थे, एकदम बुजुर्ग हो गए थे। तो इस कारण से दोस्तों ये शक्तिहीन हो गए थे। और एक चीज और कि इनका भी एक संतान था, एक ही पुत्र था, उसका भी मृत्यु हो गया था कुछ दिन पहले। तो उसी कारण से शोक से व्याकुल थे दोस्तों, इस कारण से इन्होंने भास्कर पंत को पूरा अपना राज्य सौंप दिया बिना युद्ध किए, उनके डर से। ठीक है, जितना भी मतलब कलचूरी वंश का शक्ति बचा था, धन बचा था, सैन्य शक्ति बचा था, पूरा को सौंप दिया भास्कर पंत को। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, नाथ सिंह जो थे वो तो पूरा सौंप दिए भास्कर पंत को। ठीक है, सेनापति भास्कर पंत को। तो उनके जो मालिक थे, भास्कर पंत के मालिक जो थे रघुजी प्रथम, उन्होंने क्या किया कि रघुनाथ को यहाँ का शासन तो करने दिया, यहाँ का शासन तो करने दिया, लेकिन शासन के देख रेख करने के लिए भोसला शासक ने अपने कुली नगीर को यहाँ पर नियुक्त कर दिया। कुली नगीर नियुक्त कर दिया यहाँ पर, मतलब अपना प्रतिनिधि वहाँ पर रख दिया, और इनको रघुनाथ सिंह को यहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। अब देखिए दोस्तों, रघुनाथ सिंह ही ऐसा शासक थे जो कि कलचूरी वंश का, इतना साल से हम लोग कई वीडियो पढ़ चुके, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ था कि मराठाओं के अधीन कोई राजा काम किया होगा। तो रघुनाथ सिंह बूढ़े होने के कारण से ऐसा हो गया कि यहां पर रघुनाथ सिंह जो थे वह भोसला के अधीन काम करने लगे। ठीक है, भोसला जैसा कहता था वैसी काम करते थे, जैसे मराठा लोग काम करते थे, क्योंकि वहां पर प्रतिनिधि था मराठों का। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि इस प्रकार से 1741 ईस्वी में भोसला शासन यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगा। 1741 ईस्वी में भोसला शासन, मराठा शासन, कलचूरी शासन है वंशी कलचूरी वंश को समाप्त करके यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासन चलने लगा 1741 ईस्वी से। दोस्तों इस समय में यहां पर मैं बोला कि दो भाग में था, रतनपुर और रायपुर। तो इसी समय 1741 आसपास में रायपुर में अमर सिंह शासन कर रहे थे। ठीक है, अमर सिंह यहां पर शासन कर रहे थे। तो दोस्तों क्या हुआ, किसी कारण से यहां पर मराठों से विरोध होता है और मराठा लोग अमर सिंह से भी रायपुर शाखा को भी छीन लेते हैं, और अमर सिंह को रायपुर, राजिम और पाटन को दे देते हैं वहां पर शासन करने के लिए। देखिए राजिम इस आसपास में है, इस राजिम को, इस रायपुर को और इस पाटन को, तीन जगह को अमर सिंह को दे देते हैं कि तुम यहां पर शासन करो और बाकी एरिया को हमारे लिए छोड़ दो। कौन बोलता है, मराठा बोलता है अमर सिंह को। अमर सिंह कौन है, कलचूरी राजा है रायपुर शाखा का, मतलब 1741 ईस्वी में यहां को भी छीन लिए थे। और दोस्तों इनको, अमर सिंह को बोला गया कि राजिम, पाटन और रायपुर जो तीन जगह हम लोग दे रहे हैं उसके बदले तुम, मतलब मराठों को, इसके बदले अमर सिंह मराठों को 7,000 प्रति वर्ष टकोली के रूप में देगा। इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों लगभग 750 वर्ष तक, ठीक है, थोड़ा मोड़ा नहीं, सब 750 वर्ष तक शासन करने वाले इस दक्षिण कौशल में कलचूरी वंश का 1741 में खत्म हो जाता है शासन, और मराठा शासन छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कौशल में आकर शासन करने लग जाते हैं। 750 लगभग है वंश यहां पर शासन किया था। इस आसपास को दक्षिण कौशल कहते थे, यहाँ को दक्षिण कौशल, इस एरिया को पूरा दक्षिण कौशल कहा जाता था। इस एरिया को दंडकारण्य का एरिया कहा जाता था, इधर को दंडकारण्य का एरिया।
तो दोस्तों यहाँ पर 750 वर्ष तक शासन करने के बाद अब 1741 में कलचुरी वंश समाप्त हो जाता है। अब देखिए थोड़ा सा एक दो पॉइंट और बताऊंगा मैं। रतनपुर में क्या हुआ था, मैं बोला कि रघुनाथ सिंह को प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर शासन करने के लिए छोड़ दिए थे। तो दोस्तों रघुनाथ सिंह के मृत्यु के बाद तो क्या हुआ नहीं, इनके पुत्र का मृत्यु हो गया था, तो क्या हुआ रघुनाथ सिंह के मृत्यु के बाद रायपुर का एक मोहन सिंह के बारे में मैं अभी बताया था कि जब राज सिंह जब शासन कर रहा था तो राज सिंह किसी व्यक्ति को घोषित किया था कि वह यहाँ का शासन करेगा। क्या हुआ दोस्तों रघुनाथ सिंह के मृत्यु के बाद मराठों ने यहाँ पर मोहन सिंह को घोषित कर दिया था, मोहन सिंह को यहाँ पर शासक बना दिया था। लेकिन मोहन सिंह के मृत्यु के बाद 1758 में रघुजी प्रथम का पुत्र बिंबाजी भोसले यहाँ पर शासन करने लगते हैं मोहन सिंह के बाद। तो दोस्तों इस प्रकार से कलचुरी वंश हम लोग का समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं कलचुरी वंश का प्रशासनिक व्यवस्था बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।